एक्सिस बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक सॉल्यूशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप घर बैठे ऑनलाइन अपने एक्सिस बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक्सिस मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। उसके बाद अपने मोबाइल बैंकिंग पर लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद नीचे आपको प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन पर एफडी आरडी का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको ओपन एफडी, ओपन आरडी ये दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। क्योंकि हम एक फिक्स डिपॉजिट ओपन करने वाले हैं तो सिंपली ओपन एफडी पर क्लिक करना है। अब देखिए आपके सामने ओपन एफडी का एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ सबसे पहले आपको आपका अकाउंट डिटेल्स शो कराया जाएगा। अब आपको डिपॉजिट टाइप सिलेक्ट करना है। यहाँ आपको रेगुलर, शॉर्ट टर्म्स और टैक्सेबल ये तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप 180 दिन के ऊपर एफडी कराना चाहते हैं उसके लिए रेगुलर वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप 180 दिन के लिए या उससे नीचे एफडी ओपन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको शॉर्ट टर्म वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। अगर टैक्स सेवर में जाते हैं तो कम से कम 5 साल के लिए करना पड़ेगा। चलिए आपको एक शॉर्ट टर्म एफडी ओपन करके दिखाते हैं जो कि 180 दिन के नीचे का होता है। तो यहाँ सिंपली शॉर्ट टर्म पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको इंटरेस्ट पेएबल पर क्लिक करना है। अब देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ देखिए लिखा है ऑन मैच्योरिटी। क्योंकि ये एक शॉर्ट टर्म एफडी है इसीलिए आप जितने महीने के लिए एफडी ओपन करेंगे वो पूरा होने के बाद ही आपको इंटरेस्ट के साथ पैसा मिल जाएगा आपके सेविंग्स अकाउंट पे। तो यहाँ आपको ऑन मैच्योरिटी पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ आपको आपसे डिपॉजिट अमाउंट पूछा जाएगा। आप कितने रुपए का एफडी करवाना चाहते हैं? मिनिमम 5,000 का कराना ही पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से अमाउंट डालिए। तो मैं 20,000 का एफडी कराना चाहता हूँ तो यहाँ पर 20,000 का अमाउंट एंटर कर देता हूँ। उसके नीचे यहाँ देखिए आपसे पूछा जा रहा है आप कितने दिनों के लिए एफडी करना चाहते हैं। मान के चलिए 2 महीने। तो यहाँ सिंपली मंथ्स पे क्लिक करने के बाद आप अपने हिसाब से कर लीजिए आप कितने दिनों के लिए रखना चाहते हैं। अब आगे सिंपली कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन में क्लिक करेंगे आपको करंट इंटरेस्ट रेट के साथ बता दिया जाएगा कि इस एफडी पर आपको इतने दिनों के लिए कितना इंटरेस्ट मिलेगा। हमने 20,000 का किया था तो देखिए हमें 180 रुपये मिलेगा 2 महीने के लिए इंटरेस्ट मिलने वाला है। तो अब सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ऊपर यहाँ सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, देखिए यहाँ है मैच्योरिटी इंस्ट्रक्शन री इन्वेस्ट है। अगर आप मैच्योरिटी पूरा होने के बाद री इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, वरना इस पर क्लिक करिए और क्लोज दी एफडी एंड क्रेडिट माय सेविंग अकाउंट पर क्लिक करिए ताकि मैच्योरिटी पूरा होने के बाद आपको आपका पैसा इंटरेस्ट के साथ आपके बैंक अकाउंट में मिल जाए। आगे देखिए यहाँ आप चाहें तो अपने नॉमिनी को भी ऐड कर सकते हैं। अब आगे देखिए नीचे आपको आई अग्री वाला बॉक्स नजर आएगा। यहाँ आपको चेक मार्क करना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे
कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको पूरा डिटेल्स दिखाया जाएगा, आप कितने दिन के लिए एफडी कर रहे हैं, कितना आपका अमाउंट है, इंटरेस्ट रेट क्या है, कितना आपको मिलने वाला है, पूरा डिटेल्स यहाँ आपको शो कराया जाएगा। तो आप एक बार इसको पहले वेरीफाई कर लीजिए, उसके बाद आप सिंपली नीचे देखिए, यहाँ एक ऑप्शन है बुक एफडी, इस पर क्लिक करिए और आगे बढ़िए। जैसे ही आप बुक एफडी पे क्लिक करेंगे, आपका जो एफडी है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और फिर यहाँ देखिए नीचे की तरफ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा व्यू डिपॉजिट समरी, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं आपने कितना एफडी ओपन किया है, उसकी पूरी डिटेल्स के साथ आपको दिखाया जाएगा। तो यही था पूरा प्रोसेस, हम उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर अभी कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए क्विक सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, बाय।